नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जुलाई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस अकेडमी की मिलेगी सौगात। अब उपभोक्ताओं को बिजली कटने की पहले ही मिलेगी सूचना। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्जाम सिटी डिटेल्स इस दिन आएंगे सामने। बिहार की नदियों को सूखने से बचाने के लिए सरकार की ये व्यापक योजना। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बनी कमेटी की होने वाली बैठक टली। बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए बिहार सरकार की ये पहल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत उपचुनाव का होगा आयोजन। जानिए रेलवे में कौन सी ऐसी कोच का सफर है सबसे सस्ता। गौतम गंभीर के केकेआर छोड़कर जाने पर टीम के मुख्य कोच का बयान। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IFFCO ने ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस के लिए निकाली भर्ती। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को ऑपरेटिव लिमिटेड यानी IFFCO द्वारा ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट gea.iffco.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के न्यूनतम 60% अंकों के साथ BE या BTEC पास किया हो। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए बिहार सरकार की पहल। बिहार सरकार प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कई पहल सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। IPRD बिहार ने इसकी जानकारी साझा की है, जिसके तहत बताया गया है कि यदि आपको बाल श्रमिक कहीं भी दिखें तो आप इसकी तस्वीर पते के साथ 9471229133 पर भेज सकते हैं। यदि आपको किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, कल कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम करवाया जा रहा हो और 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों से जोखिम भरा काम करवाया जाते देखें तो इसकी तुरंत सूचना दें। ऐसा करना बड़ा अपराध है। जो लोग बाल श्रमिक करवा रहे हैं, यदि वे पकड़े गए तो उन्हें 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा और 6 महीने से 2 साल तक की सजा भी दी जाएगी। यदि सजा भुगतने के बाद भी कोई ऐसा दोबारा करता पकड़ा गया तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा मिल सकती है। बिहार के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस अकेडमी की मिलेगी सौगात। आधुनिक सुविधाओं से लैस अकेडमी की सौगात बिहार के खिलाड़ियों को दी जाएगी। राजगीर में नवनिर्मित खेल अकेडमी का उद्घाटन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर होगा। इसकी जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरन द्वारा दी गई है। इस अवसर पर खेल सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा, जो राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है। इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया था। आपको बता दें कि ये बिहार की पहली खेल अकेडमी होगी, जहां लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल समेत और भी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 90 एकड़ में 741 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जहाँ 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। आज होगी बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक। आज पटना में बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस दौरान कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। आज ये बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे शुरू होगी। इस बैठक को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर सरकार कोई फैसला ले सकती है। इससे पहले ये कैबिनेट बैठक 20 जून को हुई थी, उस वक्त कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। अब उपभोक्ताओं को बिजली कटने की पहले ही मिलेगी सूचना। अब प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटने की सूचना पहले ही मोबाइल पर SMS के जरिए दे दी जाएगी। दरअसल एक फीडर मैनेजमेंट सिस्टम को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की IT सेल द्वारा विकसित किया गया है, जिसके जरिए प्लानिंग शट डाउन की सूचना हो या तकनीकी खराबी की सूचना बिजली उपभोक्ताओं को SMS के माध्यम से दे दी जाएगी। इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसकी जानकारी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्जाम सिटी डिटेल्स इस दिन आएंगे सामने। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर कहा है कि एग्जाम सिटी डिटेल्स 15 जुलाई 2024 से चेक किए जा सकेंगे। अब 15 जुलाई को ये पता चल सकेगा कि किस अभ्यर्थी का एग्जाम किस डेट में और किस सिटी में है।
परीक्षा के तिथि और परीक्षा केंद्र के जिला की जानकारी अभ्यर्थी www.csbc.bih.nic.in पर जाकर ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्मतिथि डालकर परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्र के जिला की जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहारी बातरी स्पेशल में आज हम बात करेंगे सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1917 में बिहार के मगध में हुआ था। ये एक भारतीय राजनेता थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लोग इन्हें प्यार से छोटे साहब कहकर पुकारते थे। ये संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इसके अलावा ये बिहार में शिक्षा मंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं। 4 सितंबर वर्ष 2006 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। प्रवासी और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को यहाँ मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ। प्रदेश के प्रवासी और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एकल केंद्रों से सभी सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है। प्रवासी परामर्श संसाधन केंद्र यानी एकल केंद्र को श्रम संसाधन विभाग द्वारा पटना, पश्चिमी चंपारण, सारण, पूर्णिया और भागलपुर में शुरू किया है। आने वाले एक महीने में ये सेवा सहरसा, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी शुरू कर दी जाएगी। इसके शुरू होने से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों और उनके परिजनों को सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। जिन भी कामगारों और प्रवासियों का निबंधन विभागीय पोर्टल पर होगा उन सभी को एकल केंद्र में सभी योजनाओं का लाभ और प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार की नदियों को सूखने से बचाने के लिए सरकार की ये व्यापक योजना। बिहार की नदियां सूख रही हैं, इसे सूखने से बचाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना के तहत मॉनसून में किसी भी तरह पानी की बर्बादी नहीं होने देना है और अधिशेष जल को संरक्षित करना है ताकि प्रदेश जल संकट ना हो और लोग गर्मी में सूखे का दंश प्रदेशवासियों का ना झेलना पड़े। मानसून में पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए पोखर, तालाब और कुओं का निर्माण होगा। इसके अलावा अधिशेष जल को चेक डैम और वियर बनाकर जल संचित होगा। सरकार की इस योजना से जहां बाढ़ का खतरा कम होगा वहीं दूसरी तरफ जल का भंडारण भी अच्छी तरह से हो सकेगा। जानिए रेलवे में कौन सी ऐसी कोच का सफर है सबसे सस्ता। रेलवे से यात्रा करने वालों को अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। आप में से कई लोग होंगे जो ट्रेन से यात्रा करते होंगे। ट्रेन से यात्रा करने के दौरान आप लोग एसी से भी सफ़र करते होंगे। ऐसे में क्या आपको पता है कि कौन सी ऐसी कोच का टिकट सबसे सस्ता होता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में, जिसमें थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी कोच शामिल है। इसमें सबसे सस्ता टिकट थर्ड एसी इकोनॉमी का होता है। इसे 3EB कहा जाता है। इसे चलाने की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। रेलवे इसमें भी यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं देता है और ये थर्ड एसी से भी सस्ती होती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत उपचुनाव का होगा आयोजन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग 1478 सीटों पर पंचायत उपचुनाव करवाएगा। इसकी तैयारी आयोग द्वारा शुरू कर दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं की रिक्त सीटों की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से 25 जून तक मांगी गई थी। इन रिक्त सीटों की सूची सभी जिलों ने आयोग को उपलब्ध करवा दी है, जिसके बाद पंचायत उपचुनाव की घोषणा करने की आयोग तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में राज्य में पंचायत चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद कईयों को अयोग्य ठहरा दिया गया था। कईयों को किसी मामले में सजा मिली तो कुछ की मृत्यु हो जाने से कई सीटें रिक्त थी। आयोग ने जानकारी दी है कि राज्य में ग्राम कचहरी पंच के सर्वाधिक 950 सीटें रिक्त हैं। 417 ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के पद रिक्त हैं। वहीं सरपंच के 38, जिला परिषद सदस्य के 3, मुखिया के 32 और पंचायत समिति सदस्य के 38 सीटें रिक्त हैं। CBSE ने स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता की घोषणा। सत्र 2024-25 में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है। इच्छुक बच्चों के कहानी सुनाने के रिकॉर्डेड वीडियो को संबंधित स्कूल जमा कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में बच्चे 4 कैटेगरी में भाग ले सकते हैं। इन 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी 3 से 5 प्राइमरी लेवल की है, दूसरी कैटेगरी 6 से 8 मिडिल लेवल की है, तीसरी कैटेगरी 9वीं से 10वीं सेकेंडरी लेवल की है और चौथी कैटेगरी 11वीं से 12वीं के सीनियर सेकेंडरी लेवल की है। प्रतियोगिता में बच्चे अपने टॉपिक को चुन सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 16 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में होगा। इसमें हर कैटेगरी में बेस्ट एक प्रतिभागी को आगे रीजनल लेवल के लिए भेजा जाएगा। बच्चों का जब चयन स्कूल लेवल पर होगा फिर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन CBSE स्टोरी टेलिंग वेब पोर्टल मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से CBSEIT.IN पर किया जाएगा।